जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। कहते हैं कि ऊपर वाला देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कारनामा हुआ है हमारे एक देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। कुछ ऐसा ही कारनामा हुआ है हमारे एक क्रिकेटर के साथ, रिंकू सिंह जिसका नाम है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ आए हैं, रिंकू सिंह बने हैं असली बाजीगर। 55 लाख से सीधे 13 करोड़, दिवाली पर बदली किस्मत। जी हाँ, आईपीएल 2025 रिटेंशन, रिंकू सिंह रिटेन फॉर 13 करोड़ बाय केकेआर। आईपीएल 2025 में रिटेंशन में रिंकू सिंह को केकेआर ने 13 करोड़ में रिटेन किया है। रिंकू की सैलरी में 12.45 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। यह डायलॉग केकेआर के मालिक शाहरुख खान की फिल्म बाजीगर से है। अब इस डायलॉग को रिंकू सिंह ने सच कर दिखाया है। दरअसल जब केकेआर के साथ रिंकू सिंह पहली बार जुड़े थे तो उनको करार के तौर पर 80 लाख रुपए मिले थे। तो वही साल 2022 में भी केकेआर ने रिंकू को 55 लाख में रिटेन कर अपनी टीम में बरकरार रखा था। इस समय तक रिंकू ने अपना जलवा विश्व कप में दिखा दिया था। यही कारण थी कि रिंकू को लेकर बातें शुरू हो गई थी कि क्या केकेआर उसके साथ गलत कर रहा था। फैंस ने केकेआर की खूब आलोचना की थी क्योंकि रिंकू सिंह से भी कम टैलेंटेड खिलाड़ियों को उनसे ज्यादा पैसे मिल रहे थे। लेकिन इन सब के बाद भी रिंकू ने अपने ईगो को साइड में रखकर केकेआर की टीम पर विश्वास दिखाते रहे और आखिर में उनको इसका फल मिला। केकेआर आईपीएल 2025 में रिटेंशन किया। केकेआर ने 13 करोड़ रुपए में रिंकू सिंह को रिटेन कर लिया। आईपीएल 2025 रिटेंशन में रिंकू सिंह को केकेआर ने 13 करोड़ में रिटेन किया है। रिंकू की सैलरी में 12.45 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। इस बार केकेआर ने 6 खिलाड़ियों को रिटेन किया है जिसमें रिंकू सिंह को सबसे ज्यादा रकम दिए गए। केकेआर ने 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों को अपनी टीम में रिटेन किया है। रसेल और नरेन को भी केकेआर ने किया है रिटेन। केकेआर ने अपने टीम में वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़, सुलीन नरेन को और आंद्रे रसेल को 12-12 करोड़ में रिटेन किया है। इसके अलावा हर्षित राणा को 4 करोड़ और रमनदीप को भी 4 करोड़ में रिटेन किया है। कैसा रहा आईपीएल में रिंकू का परफॉर्मेंस आइए जानते हैं। 46 आईपीएल मैचों में रिंकू ने 30.79 की औसत से 143.33 की स्ट्राइक रेट से 893 रन बनाए हैं जिसमें उनके 4 अर्धशतक शामिल हैं। पहले 3 सीजन में रिंकू ने सिर्फ कुछ ही मैच खेले थे लेकिन साल 2022 में उन्होंने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। आईपीएल का 2023 सीजन उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ था और इस सीजन में 14 मैचों में रिंकू ने 59.25 की औसत और 149.52 की स्ट्राइक रेट से 474 रन बनाए जिसमें उनके नाम 4 अर्धशतक शामिल थे। केकेआर के द्वारा रिटेन किए जाने के बाद रिंकू ने रिएक्ट किया है। रिंकू ने कहा, हमारी प्रेम कहानी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।